तो सवाल ये है कि एक दिन में कितनी कॉल्स आती है? तो देखो यार, फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस में मैं जब काम करता था, एक साल पहले की बात है, तो एवरेज मैं आपको बता दूं कि 80-90 कॉल्स के आसपास जो है कॉल आती है। एंड मैं बता दूं कि कॉल का जो प्रेशर रहता है, मतलब लेट से कि आप कॉल ले रहे हो, ठीक है, एंड कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, आपने मतलब आपकी साइड से करी या फिर कस्टमर ने करी, तो एज सुन एज कस्टमर ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, ऑटोमेटिकली दूसरा कॉल कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें इशू क्या रहता है, लेट से पहले कस्टमर की आप टैगिंग कर रहे थे एंड वो टैगिंग आप कर नहीं पाए, क्योंकि टैगिंग करते करते क्या है, कस्टमर कॉल काट देता है। ये इशू आपके साथ में होगा, फेस करने को मिलेगा आपको, कि मान लो आप कस्टमर से बात करो कि हाँ जी सर, एक्चुअली आपका ऑर्डर जो है डिले हुआ है, डोंट वरी सर, मैं यहाँ से जो है एक रिपोर्ट आपके बिहाफ पर, एक कंप्लेंट जो है नोट्स में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आपको प्रॉपरली बोलना पड़ेगा, यदि आप कंप्लेंट कर रहे हो तो कंप्लेंट बोलना पड़ेगा, यदि कुछ मेंशन कर रहे हो नोट्स में तो वो बोलना पड़ेगा। टैगिंग करोगे आप डिले एंड डिलीवरी में जाके, आपको टैगिंग करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे स्मार्ट असिस्ट में, सिखाया जाएगा योडा क्या होता है, योडा में जाके आप सर्च कर सकते हो, आपको वहां पर मिलेगा। एंड लेट से कोई कुछ भी चल रहा है ऑफर वगैरह, उसके रिगार्डिंग योडा में आप सर्च कर सकते हो। तो मैं कॉल्स की बात कर रहा था, मेन पॉइंट ये है कि कितने कॉल्स आती है, तो कॉल आएंगी एवरेज 80-90। अब ये डिपेंड करता है यार, देखो कोई फिक्स नहीं है, लेट से कि आप कस्टमर से बात करो एंड आपका एवरेज टाइम है कस्टमर से बात करने का, कॉल को फिनिश करने का, वो है 10 मिनट। अब लेट से कि आप एक घंटे में 6 कॉल ले रहे हो, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है और 10 मिनट में एक कॉल ले रहे हो, तो मतलब एक घंटे में आप 6 कॉल लोगे, तो 8 घंटे में कितनी कॉल लोगे आप? 48 कॉल, मतलब 50 कॉल भी नहीं लोगे आप 8 घंटे में। एंड इवन 8 घंटे कोई काम करता नहीं है, लगातार आप 8 घंटे तो कॉल नहीं लोगे, मतलब बीच बीच में आपको ब्रेक भी मिलेगा, जिसे आइडियल टाइम कहते हैं। तो लेट से कि मिला के आधा घंटे का आइडियल या एक घंटे का, तो मान लो 7 घंटे, तो एक घंटे में आप 6 कॉल लोगे, तो फिर कितने, 42 कॉल ओनली। तो आपने कितनी कॉल ली? 42 कॉल्स। तो यहाँ पर देखो ऐसा है कि प्रॉपरली आपको 8 घंटे कॉल लेना है, ठीक है, जिसमें से 1 घंटे का आपका ब्रेक रहेगा। अब जो आपका ये ऑनलाइन एक्टिव रहने का टाइम है, जिसमें आप लॉग इन रहोगे, लॉग इन जैसे कहते हैं, लॉग इन रहोगे, आपकी आईडी लॉग इन रहेगी, आप जो एक अवैध रहेगा, स्मार्ट असिस्ट रहेगा, वहां पर लॉग इन रहोगे, ठीक है, मतलब कभी भी कॉल आ सकती है। तो कुछ टाइम ऐसा मिलेगा, वो कब मिलेगा आपको? जनरली अभी मान सकते हो, लेट से अभी आप काम कर रहे हो, फ्लोर पे आ गए हो, ठीक है, लेट से अभी आप फ्लोर पे आ गए हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको फ्री टाइम बहुत मिल रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है कि उस टाइम पर कॉल का वॉल्यूम है कि नहीं, क्योंकि लेट से कि वीकेंड टाइम चल रहा है, लोगों को काम भी करना पड़ता है ना, फुर्सत में नहीं रहते यार, मेरे जैसे फुर्सत में रहते हैं बहुत सारे जो कस्टमर केयर को परेशान करते हैं कॉल कर करके। तो देखो लेट से कि बहुत सारे लोग वीकेंड्स में काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे फ्राइडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं। अब आपका वीकेंड्स रहता है, सैटरडे संडे को छुट्टियां रहती है, तो उस दिन कॉल का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। और बात करूं मैं जो वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे में सुबह के 8-9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक कॉल का प्रेशर बहुत कम रहेगा। तो यदि आपको मंडे टू फ्राइडे में शिफ्ट टाइमिंग चाहिए, तो आप किसी भी आपके टीएल से बात करके आप मॉर्निंग शिफ्ट लीजिएगा सुबह के 8 बजे से। ये जो एवरेज शिफ्ट टाइमिंग रहता है ना, प्रॉपर जो यूनिवर्सल टाइम जिसे हम कहते हैं, सुबह के 8 से 9 से शाम के 6 बजे तक, ये टाइम सिलेक्ट कीजिएगा आप। इसमें क्या होगा कि आपको कॉल का प्रेशर बहुत ही कम रहेगा, कॉल का वॉल्यूम कम रहता है, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो वर्किंग, कुछ लोग खुद का कुछ काम करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, तो कुछ लोग मतलब जॉब वगैरह करते हैं, तो मोस्टली यही टाइम, तो वर्किंग प्रोफेशनल की कॉल आपको इस टाइम पर नहीं आएगी। आएगी तो ऐसे लोंडो की आएगी जो फुर्सत में है, कोई काम नहीं कर रहे, काम धंधा है नहीं जिनको, उनके माँ बाप ने उनको खुला सांड की तरह छोड़ दिया है एंड वो ऐसे खुले में आपको परेशान कर रहे हैं। यदि आप लड़की हो तो मेरी बात मानो ना मानो, आपको कॉल्स आने के चांस ज्यादा है। कैसे बताऊं मैं यार, आपको समझाऊं कैसे, मतलब ये समझ लो आप, ठीक है, आप लड़की हो, आप नहीं समझ पाओगे, लोंडे यहाँ पर समझ ले होंगे, ठीक है, जो लड़के होंगे वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो लड़के लोग होते हैं ना, जो सिंगल लोंडे होते हैं, जो खुले सांड की तरफ घूमते रहते हैं फुर्सत में, वो क्या करते हैं, वो कस्टमर केयर को लगाते हैं, वो चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई सा भी कस्टमर केयर हो यार, हर एक में मेल फीमेल मिल ही जाएंगे आपको। तो और मोस्टली वो यंग एडल्ट्स को ही हायर करते हैं कंपनी वाले भी, उन्हें भी एनर्जेटिक चाहिए, जहां जिनको मोटिवेशन दे तो वो अच्छे से काम करे, ठीक है, तो वो भी 18 से 24 के बीच में लड़कियों को हायर करेंगे। तो वहां पर क्या होगा कि कॉल इस पर्पज से करेंगे वो, यदि आप लड़की हो, ठीक है, आपको कॉल आ गई एंड किसी लोंडे ने कॉल किया, वो जो कि गबरू जवान है एंड वो सिंगल लोंडा है एंड लेट से कि वो खुला सांड की तरफ घूम रहा है, फुर्सत में है, कोई काम नहीं करता है, तो वो पक्का आपको परेशान करेगा। उसका चाहे ऑर्डर डिले हुआ हो ना हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट से आप कॉल उठाओगे, आप जैसे ही बोलोगे सामने से नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट से रूपा बात कर रही हूँ, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ, तो वहां से लोंडा जो है पिघल जाएगा, फिर वो उसकी प्रॉब्लम भूल जाएगा, वो बताएगा, ऑल दो उसकी प्रॉब्लम बताएगा, वो तो चाहता है आप उससे बात करो, लंबी देर तक बात करो, वो बोलेगा मेरे को सीनियर से बात करनी है, आप कहोगे सीनियर बिजी है, वो कहेगा ठीक है कॉल चलने दो, मैं वेट कर लूंगा। आप
आपका ऑर्डर फॉलो करेगा, आप प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, आप बोलोगे सर माफी चाहूंगे लेकिन आपको कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अभी राइट नाउ बीजी, आप 10 मिनट 5 मिनट बाद ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आप आपकी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल वो सामने वाला बंदा आपको गाली दे रहा हो। गाली पे देगा तो 3 बार वार्निंग देनी पड़ेगी। एंड यदि मान लो कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए एंड आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये आपकी जॉब के ऊपर बात आ जाएगी, आपको निकाला भी जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है यदि क्लाइंट की साइड से वो कॉल ऑडिट हो गई तो, क्योंकि ये जेट टीम आता है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में आता है, आप कस्टमर की कॉल नहीं काट सकते, आपको परमिशन होती नहीं है। परमिशन कब होती है? एक्सेप्शनल केस, एक हाईली इमरजेंसी केस होता है जहां पर कस्टमर आपको गाली पे गाली दे रहा है, आपने 3 वार्निंग दिया, तब जाके आपको वर्बली बोलना पड़ेगा कि सर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप गाली इस्तेमाल कर रहे हो तो मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ सकता है। ऐसे आपको 3 बार बोलना पड़ेगा, जब वो गाली दे रहा है 3 बार वार्निंग दोगे उसके बाद में जो है आप कॉल काटोगे, एंड ये रिकॉर्डिंग में मेंशन रहेगा। यदि ये रिकॉर्डिंग में नहीं है, आपने डायरेक्टली कॉल काट दिया तो गई आपकी वार्ड लग जाएगी। तो लड़कियों सावधान रहना इस केस में। लड़कों का क्या है भैया, लड़कों को तो लड़कों की कॉल आएगी तो ठीक है हैंडल कर लेंगे, लड़कियों की आ गए तो लड़कियां नहीं करती है, लड़कियां इतनी गुस्से में नहीं होती है, लड़कियां गुस्से में भी होती है तो वो प्यारी लगती है, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मैं बात कर चुका हूं, मैं जो कर चुका हूं तो मुझे पता है यार, मैं खुद सोचता था यार कि बस ये कस्टमर जाए ना, ये कस्टमर मुझसे बात करता रहे। पंजाब की जो पंजाब साइड की जो लड़कियां होती है उनकी कॉल्स आती है तो आप सोचोगे कि भाई बस कॉल चलती रहे, कॉल कटे ही ना, क्योंकि मान लो कभी कभी ऐसा रहता है ना इस जॉब में कि लेट से आज सुबह उठे आप, आपका शिफ्ट टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से, ठीक है वो कभी भी हो सकता है, चाहे स्प्लिट में हो सकता है, स्प्लिट में होगा तो 8 से सुबह के 8 से 12, उसके बाद में मान लो शाम के 4 से 8, तो स्प्लिट में रहेगा तो ऐसा रहेगा, मतलब 4-4 घंटे के स्प्लिट में रहेगा। एंड यदि कंटिन्यूस में रहेगा तो वही 9 से 6 या फिर वो, एंड हाँ मैंने स्प्लिट बताया ना आपको कि 8 से 12, तो इसमें 1 घंटा या तो पहले वाली शिफ्ट में या फिर दूसरे वाली शिफ्ट में एड ऑन होगा, मतलब आपको 9 घंटे करना पड़ेगा जिसमें 1 घंटे आपका ब्रेक रहेगा, मतलब ब्रेक ऑफिशियली रहता है, मतलब आपको ऑक्स लगाना पड़ेगा, उसे ऑक्स बोलते हैं, ठीक है वहां पर आपको ट्रेनिंग ऑक्स में लगा, एंड ब्रेक टी ब्रेक ऑक्स में लगा, लंच ब्रेक ऑक्स में लगा, ये ऑक्स आप आलतू फालतू नहीं लगा सकते, आप बार बार लंच ब्रेक नहीं लगा सकते, बार बार टी ब्रेक नहीं लगा सकते, ठीक है टी ब्रेक लगा रहे हो 2-3 बार ठीक है मान सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लगा रहे हो, टी ब्रेक ले रहे हो, ठीक है चल सकता है इतना प्रॉपर मान सकते हैं, लॉजिक बनाता है मेक सेंस, बट आप हर 10 मिनट में हर 15 मिनट में लंच ब्रेक लगा रहे हो, भाई ये कौन सा लंच है जो हर 10 मिनट में होता है, टीम मान सकते हैं भाई आप कॉल लेते हो इतना प्रेशर आता है। आप ना इंदौर में मैं जा चुका हूँ, इंदौर यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है, मैं इंदौर रह चुका हूँ, मैं जाता आता रहता हूँ इंदौर में, मेरा दोस्त एक बेस्ट फ्रेंड है जो सीए की जॉब कर रहा था उस टाइम पर, उसकी इंटर्नशिप चल रही थी तो ये बिल्डिंग थी यार आई डोंट नो टाइटेनियम की बिल्डिंग है, वो साइड है विजयनगर से भी आगे अपन जाएंगे ना उधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जहां पर ऑफिस है ये टेली परफॉर्मेंस के टास्कर्स के ले लो किसी के ले लो, तो वहां पर जो है लाखों में मतलब लाखों में तो नहीं हजारों में जो है बच्चे रहते हैं वहां पर, एंड वो कॉल्स ले रहे हो तो वहां का इन्वायरमेंट अलग रहता है भैया। मैंने देखा है कि लोंडे लोग लड़कियां सिगरेट फूक रही है चाय पी रही है, मतलब चाय की सिप ली और सिगरेट फूकी। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, मतलब इंदौर में रहा एंड फर्स्ट टाइम जब इंदौर गया मैं, एंड मैं लड़कियों को ऐसे सिगरेट फूकते हुए देखता था चाय की टपरी पर जहां पे उनके बॉयफ्रेंड वगैरह रहते थे लड़के लोग, एंड लड़कियां भी चाय पीती सिगरेट सुट्टा मारती, मैं देख के सोचता कि भाई क्या है कलयुग चल रहा है यार, मतलब गांव में देख लो लड़कियां अच्छे कपड़े ना पहने तो 100 बातें निकल जाएंगी, एंड घर वाले बाहर नहीं निकलने देते, 12वीं के बाद पढ़ने नहीं देते, कहीं भेजते नहीं है, अपनी नजरों के सामने से काफी लाड़ प्यार से रखते हैं, संस्कार होते हैं यार गांव की लड़कियों में संस्कार होते हैं। हालांकि अभी आप इंस्टाग्राम रील्स पर देखोगे तो कुछ लड़कियां रहेंगी जहां पर कोई संस्कार नहीं मिलेगा, आई कैन अंडरस्टैंड एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ठीक है एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। हाँ तो मैं बात कर रहा था शहर की, इंदौर की बात कर रहा था, इंदौर में ऐसी बहुत सारी लड़कियां, यदि आप भी रहते हो इंदौर में, मेरे कुछ दोस्त है कुछ सब्सक्राइबर है मेरे जो इंदौर में रहते हैं उन्होंने कॉमेंट किया था, तो भाई लोग यदि आप इंदौर में रहते हो या फिर किसी भी दिल्ली मुंबई, क्योंकि इंदौर को छोटी मुंबई बोलते हैं, तो आप दिल्ली मुंबई कहीं भी रहते हो ठीक है किसी भी शहर में रहते हो, आपने होगा लड़कियां लोग सुट्टा मारती है यार, उनकी पर्सनल चॉइस है मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन वो क्यों मारती है उसके पीछे का कारण मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जब मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब किया फ्लिपकार्ट में, पहली जॉब थी मेरी ठीक है लास्ट भी जॉब हो सकती है ये, तो पहली जॉब थी मेरी, तो इस जॉब के बाद में मेरे को पता लगा कि वो सुट्टा क्यों मारती है, क्योंकि यार दिमाग पे टेंशन इतना रहता है, TL का प्रेशर, QA का प्रेशर, AM का प्रेशर, उसके बाद में जॉब चले जाने का प्रेशर, इसको ना बनने का प्रेशर, CSET का प्रेशर, DSET का प्रेशर, CSET ना आने का प्रेशर, DSET आने का प्रेशर, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर की कॉल आती है, कोई अच्छा कस्टमर रहता है, सिंपल सी बात करता है, सिंपल सा प्रॉब्लम रहता है उसका, लेट से ऑर्डर का स्टेटस जानना चाहता है, आपने सिंपली बता दिया चेक करके, कुछ कुछ इतनी खतरनाक इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेके आते कस्टमर जहां पर हमें नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, डिलीवरी बॉय सामान फेंक के चला गया, वो चिल्ला रहा हम पे, वो सारा गुस्सा है वो हम पे निकलेगा, क्योंकि वी आर द फेस ऑफ द कंपनी,
हम ही है कंपनी के फेस हम ही है, कस्टमर हम ही को जानते हैं, कस्टमर डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से बात नहीं करता, फ्लिपकार्ट से बात करता मतलब हमसे बात करता है, हम ही कस्टमर को हैंडल करते हैं, हमें पता है कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर कहते हैं ना वो ग्राउंड लेवल से जीरो रिपोर्टिंग हो रही है वो हम ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कस्टमर कितना एंग्री है, कितने गुस्से में बात कर रहा है, कितना सेटिस्फाइड है, डिसेटिस्फाइड है, क्योंकि हमें सी सेट आते हैं, डी सेट आते हैं। भाई कुछ कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे डी सेट देते हैं, हमें खेलना नहीं चाहूंगा लेकिन क्या करूँ यार, वो डी सेट देते हैं उस टाइम पर। यदि आप में से कोई अभी जॉब कर रहा है ना तो आप समझ पा रहे होंगे, यदि डी सेट आता है ना तो कितना बुरा लगता है यार, कितना प्रेशर आता है, आपका टीएल लेंगे, आपकी मेट पे बुला ला पर्सनली लेंगे, ठीक है, टीएल लेगा, आपका क्यूए लेगा, एंड आपका एएम तो मोस्टली नहीं बुलाएगा, टीएल और क्यूए ही आपकी जान खाएंगे यार। तो यार कहना चाहूंगा कि फोकस रखना सी सेट पे, एंड बहुत प्रेशर देता है, मैंने देखा है लड़कियों को सुट्टा मारते हुए चाय पीते हुए, मैं वो ऑफिस की बात कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम की बात करूँ तो यार घर में तो आई डोंट थिंक कि अलाउड होता होगा लड़कियां सुट्टा मारती होंगी, क्योंकि वो बाहर रहती तो वहां पर सुट्टा मार लेती है बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन घर में आप अकेले रहते हो, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं रहता है, आपको एक ऐसा रूम चाहिए होता है, क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था ना तो मैंने देखा है, मतलब जब हमारा ओजेटी चल रहा था तो लाइव मीटिंग पर हमारा फेस ऑन रहता है, मतलब वीडियो ऑन रहता है, हम कॉल ले रहे होते हैं तो ओजेटी हमारा चल रहा होता है, तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, वो किचन में से कॉल ले रहे, किचन में पीछे मम्मी खाना बना रही है, या फिर कहीं बेडरूम में पीछे सब लोग नाटक देख रहे, सीरियल देख रहे, टीवी देख रहे, एंड यहाँ पे बंदा कॉल ले रहा है, बेड पे सोते सोते कॉल ले रहा है, कोई कार ड्राइविंग करते करते कॉल ले रहा है। मैं सोच के हैरान हूँ कि भाई क्या चल रहा है, जो कि ऑलरेडी आपको एक सेटअप चाहिए होता है, एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, शांत जगह चाहिए होती है। आप जब पहले आपका इंडक्शन होता है ना, शुरुआत में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको बताया जाता है कि देखो आप घर से काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर हाइजीन ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप चाय पीते पीते कस्टमर से बात करो, हालांकि ये मैं करता रहता हूँ, मैंने किया ये चाय पीते पीते मैंने कस्टमर से बात करी है, वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, वो मेरे को जब प्रैक्टिस आ गई थी तब मैं कर लिया था, तो कस्टमर को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप चाय पी रहे हो, थोड़ी भी कॉल में पता चल गया ना कि आपने चाय किसी पी ली तो क्यूए जो है आपकी वर्ड लगा देगी। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका फोकस रहना चाहिए, प्रॉपरली कॉल्स लो, जल्दी से जल्दी फिनिश करो, तो डिपेंड करेगा, आप जल्दी फिनिश कर दो तो जल्दी ज्यादा कॉल्स लोगे आप, एंड यदि लेट फिनिश करोगे तो कम कॉल्स आएंगी, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एवरेज मैंने बता दिया 70-80 कॉल्स जो है एवरेज ले आती है, यदि आप 5-4-5 मिनट में, एंड एवरेज टाइम यही है, रिपअप टाइम ये रहता है 2-3 मिनट 4-5 मिनट, यदि आप जितना एवरेज आपका रिपिंग टाइम कॉल को खत्म करने का टाइम कम रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। एंड सी सेट भी आना चाहिए, लेट से कोई 2 मिनट की कॉल है एंड सी सेट आया तो बहुत बढ़िया, 10 मिनट की कॉल है उसमें सी सेट आया तो बहुत बढ़िया, यदि 20 मिनट की कॉल है उसमें सी सेट ही नहीं आया तो आपको बहुत सुनने को मिलेगा, एक तो लॉन्ग कॉल, दूसरा मोस्टली कॉल लंबी क्यों होती है, मोस्टली कॉल होती है लंबी जब आपको पता नहीं होता कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आपको कैसे करना है, टैगिंग कहाँ करनी है, नोट्स में क्या मेंशन करना है, कहाँ क्या प्रोसेस फॉलो करनी है आपको, आप उस टाइम पर क्या करोगे, कस्टमर को बोलोगे सर होल्ड पर रहना पड़ेगा, होल्ड पर रखोगे, कस्टमर को बोलोगे 2 मिनट के लिए, लेकिन आपके 2 मिनट कब पता चलेंगे, आपके 2 मिनट चले जाएंगे आपके ट्रेनर को प्रॉब्लम बताने में, आपका ट्रेनर रहेगा लाइव पे उसको, या फिर एसएमई रहेगा, एसएमई को बताओगे, ओजेटी के टाइम पर एसएमई रहेगा, एसएमई को बताओगे, एसएमई बेचारा वो 10-15 को हैंडल कर रहा है, अब एक साथ सब जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम आएगी एक साथ सबके सब जाएंगे एसएमई के साथ, सर 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 मेरा कस्टमर ये कह रहा है, ऐसे में बोलेगा शांति रखो एक एक करके आओ, वो एक एक करके बताएगा, फिर क्या करो, किसी ना किसी का तो कॉल होल्ड जाएगी, मतलब होल्ड एक्सीड होगा, एंड जब होल्ड एक्सीड होगा तो आपको आगे से कॉल आएगी कि होल्ड हटाओ, कभी कभी तो कस्टमर कॉल ही काट देगा, होल्ड एक्सीड हो गया, कॉल काट दिया, फिर तो आपकी जेट्टी भाई, क्योंकि आपने होल्ड एक्सीड है एंड होल्ड एक्सीड जेट्टी में आता है, तो ये ओजेटी में चलेगा, ओजेटी में ठीक है आपको थोड़ी बहुत सुनने को मिलेगी चलेगा, लेकिन फ्लोर पे आने के बाद में ये हरकतें काम नहीं आने वाली, ये हरकतें ज्यादा रही आपकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आपको निकाल देंगे, सिंपल सी बात है निकाल देंगे।